कांग्रेस पार्टी ने आखिरी वक्त में अपने पत्ते खोल दिए हैं। रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बना दिया। वहीं 3 मई यानी शुक्रवार को अमेठी लोकसभा सीट पर किशोरी लाल शर्मा ने नामांकन कर दिया है। नामांकन के मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बार अमेठी में गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। ऐसे में जाहिर है सभी के मन में सवाल होगा कि कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया है वो आखिर है कौन? ये गांधी परिवार का इनसे क्या लगाव है? मूल रूप से किशोरी लाल शर्मा पंजाब के लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। 1983 के आसपास राजीव गांधी उन्हें पहली बार अपने साथ अमेठी लेकर आए थे, तब से वो यहीं के होकर रह गए। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब गांधी परिवार ने यहां से चुनाव लड़ना बंद कर दिया तो भी शर्मा कांग्रेस पार्टी के सांसद के लिए काम करते रहे। वो हर अच्छे बुरे वक्त में गांधी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। उन्हें संगठन ही नहीं परिवार का भी वफादार माना जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी के सांसद चुने जाने के बाद उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते रहे। सोनिया गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर किशोरी को रायबरेली से दावेदार माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार बनाया और किशोरी लाल शर्मा को रायबरेली के बजाय अमेठी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा भर दिया। उनके नामांकन के दौरान मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी मौजूद रहीं, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के नामांकन पर जब भाजपा रायबरेली के उम्मीदवारों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जैसे जनता ने अमेठी से नकली गांधी को हटाया था वैसे ही राहुल गांधी को रायबरेली की जनता इस बार जवाब देगी।